ऑलराइट, तो जब देश की जनता ने कॉमेडी मूवी मांगा इंडस्ट्री से, तो हमें मिला किसी का सर किसी का दर्द। लाइक इससे बड़ा कॉमेडी मूवी इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। क्या मतलब ये एक्शन थ्रिलर मूवी था? Bring it on. मजाक चल रहा है क्या? तो काफी टाइम से ये इंडस्ट्री हमें कॉमेडी मूवीज के नाम पे पॉपकॉर्न और सीमा हैदर की स्टोरी दे रही है। लाइक सीरियसली, मुझे नहीं जानना सचिन के बारे में, उनकी लव स्टोरी देख के दिल दुखता है यार। तो फिलहाल जहाँ पे इंडस्ट्री एक्शन फिल्म्स और ड्रामा फिल्म्स पे बहुत ज्यादा ही फोकस्ड है, वहीं रेयरली हमें कॉमेडी फिल्म्स देखने को मिलता है। एंड जो लास्ट डिसेंट कॉमेडी फिल्म जो मैंने देखी थी वो थी फोन बूथ। और अगर हमें कॉमेडी फिल्म देखनी होती है तो हमें वेब सीरीज पे ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल गन्स एंड गुलाब्स। बट मैं योर्स ट्रूली योगी लाया आपके लिए 5 अंडररेटेड इंडियन कॉमेडी फिल्म्स पार्ट 2। जी हाँ, ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर तुम इसका पार्ट 1 देखना है तो वेल डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, एंड वेल तुम जाके आई बटन पे भी क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। नंबर 5, मिथ्या। इस मूवी के बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना है, तभी तो अंडररेटेड है गधे। 2008 की मिथ्या कहानी है वीरेंद्र की, जो मुंबई में एक स्ट्रगलिंग एक्टर है और वो सपने देख रहा है कि एक दिन वो भी एक बड़ा स्टार बनके बैंड्रा में घर ले पाए और वेल पापाराजी को पैसे दे के वायरल हो पाए। जी हाँ, वायरल बिहानी पे जो भी वो वीडियोस रहते हैं सारे पेड रहते हैं। Until, एक दिन उसे एक गैंग उठा लेती है क्योंकि उसकी शक्ल एक गैंगस्टर के लीडर से मिलती है, एंड इनका प्लान रहता है कि उस गैंग में इसको वहाँ पे डालने का ताकि ये उस गैंग को डिस्ट्रॉय कर सके। हाँ, मतलब डबल रोल वाला सीन है, सीता और पपीता। बट ये भी तो एक्टिंग है रजत कपूर ने, जो कपूर एंड सन्स में भी दिखे थे। एंड वेल, अगर तुमने कपूर एंड सन्स नहीं देखा है तो क्या मतलब वो भी अंडररेटेड है? बस एक चुप्पी। मिथ्या एक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर है जिसमें तुम्हें टैलेंटेड एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि सौरभ शुक्ला, नसीरुद्दीन शाह, विनय पाठक, मनु ऋषि चड्ढा एंड मेनी मोर, एंड नेहा धूपिया फॉर सम रीजन, मतलब रोडीज में ठीक थी वो। It's her choice. और लीड में है अंडररेटेड रणवीर शौरी, जिनका ये मूवी करने के बाद ऑब्वियसली कंधा दर्द कर रहा होगा क्योंकि उन्होंने पूरी इस मूवी को कैरी किया है अपने पीठ पे। अरे क्या बोल तो रहे हैं? जिस वे में उन्होंने इस मूवी में परफॉर्मेंस दी है, इट्स सैड कि इंडस्ट्री ने बहुत ही कम यूज करता है, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से एक है, स्पेशली जब वो कॉमिक रोल्स करते हैं। एंड इस मूवी में उन्हें डबल रोल का कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया वे में प्ले किया है, जहाँ यूजली जब भी डबल रोल के कैरेक्टर्स प्ले किए जाते हैं तो वो बहुत ही बेकार वे में पुल ऑफ होता है, जहाँ पे दोनों कैरेक्टर्स के हेयर स्टाइल भी सेम है, इवन उनका बॉडी टाइप भी सेम है। बट इस मूवी में तुम्हें लेजेंड ऐसा लगेगा कि तुम दो अलग लोगों को देख रहे हो, और ये रणवीर शौरी ने बहुत ही बढ़िया वे में पुल ऑफ किया है। मूवी के डायलॉग्स बहुत ज्यादा ही फनी है, फिजिकल कॉमेडी तुम्हें एक्चुअली बहुत ज्यादा हंसा देगा, सिचुएशनल कॉमेडी बहुत बढ़िया वे में वर्क करता है, स्टोरी भी बहुत ही बढ़िया है, बट एंडिंग नहीं बता सकता, स्पॉइलर हो जाएगा। तो अगर तुम डार्क कॉमेडी के फैन हो और अंडररेटेड मूवी सपोर्ट करना पसंद करते हो तो मिथ्या प्राइम वीडियो पे जाके जरूर देखना। नंबर 4, जाने भी दो यारो। ठहरो, मेरे कमरे में कोई है जो हमारी बातें सुन रहा है। बाहर निकालो। इस मूवी के बारे में तुमने सुना ही होगा, और अगर तुमने नहीं सुना है तो वेल तुम 2007 के बाद पैदा हुए हो, और स्कूल जाओ। सीरियसली यहाँ क्या कर रहे हो, लाइक करके जाना प्लीज। ओए तरेजा, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और डमेलो, तू तो गया। जानी भी दो यारो, जो रिलीज हुई थी 1983 में, और जब ये रिलीज हुई तो ये कल्ट क्लासिक बन गई, और उस जमाने के लोग इसे अब तक का वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी फिल्म मानते हैं। तो ये अंडररेटेड कैसे हुआ? वेल, न्यू जनरेशन इस फिल्म के बारे में बहुत ही कम जानती है, तो इसलिए वेल ये अंडररेटेड हो गया। जानी भी दो यारो कहानी है दो दोस्त की, जो साथ में एक फोटो स्टूडियो खोलते हैं, जो वेल ऑब्वियसली नहीं चल रहा, क्योंकि अगर चल गया होता तो ये मूवी नहीं बनती। अंटिल एक पब्लिकेशन हाउस आके उन्हें एक जॉब देती है कि वो शहर के रिच करप्ट लोगों को एक्सपोज करे उनकी फोटोज लेके, एंड उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट होता है वो बहुत ज्यादा ही फनी है। जिस वे में डायलॉग्स इस मूवी में आते हैं, जिस वे में सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट होता है, और जिस वे में फिजिकल कॉमेडी इसके बाद आती है, वो इतनी फनी है कि तुम्हारा हंस हंस के पेट दर्द हो जाएगा। जहाँ इस फिल्म को लिखा था लेट सतीश कौशिक और रंजीत कपूर ने, और मूवी के लीड में तुम्हें दिखेंगे नसीरुद्दीन शाह, लेट रवि बिस्वानी, लेट ओम पुरी, पंकज कपूर, सतीश शाह एंड बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स। इस मूवी को लिटरली अपने टाइम से काफी आगे माना जाता है, एंड काफी लोग आज भी बिलीव करते हैं कि इससे ज्यादा फनी मूवी आज तक कोई भी नहीं आई है। वेट अंटिल ये मेरे लाइफ में मूवी बनाए, उसके बाद कुछ भी मूवी फनी नहीं लगेगी। मैं तो सैड क्यों भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? दुबे कहाँ है?
डूबे चिल्लाओ मत। जाने भी दो यारों का महाभारत वाला क्लाइमैक्स आज तक का सबसे फनी क्लाइमैक्स है। एंड लिटरली जब मैं क्लाइमैक्स देख रहा था मेरे हंस हंस के पेट दर्द हो गए। एंड लिटरली आज की जनरेशन को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए ताकि वो पुराने बॉम्बे को देख के ये समझ पाए कि उस जमाने में बॉम्बे कितना एडवांस था और फिजिकल कॉमेडी क्या होती है, क्योंकि इस फिल्म में तुम्हें वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फिजिकल कॉमेडी देखने को मिलेगा। तो जाने भी दो यारों अवेलेबल है प्राइम वीडियो पे, तो तुम अपने एक्स से उसका पासवर्ड मांग के ये फिल्म जरूर देख सकते हो, उसके बाद एक्स को ब्लॉक कर देना। नंबर 3 ब्लैकमेल। उसके बाद पता है पति क्या करता है? 2018 की ये फिल्म भाई साहब स्टारिंग लेट इरफान खान। तुमने अगर नहीं देखे तो इस वीडियो को जल्दी लाइक करो, जाके इस फिल्म को जरूर देखो या फिर वीडियो पूरा होने के बाद देखना प्लीज, और लाइक जरूर कर लेना। ये क्या तरीका है लाइक की भीख मांगने का? 2018 की फिल्म ब्लैकमेल कहानी एक हस्बैंड की, जिसे पता चलता है कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है। तो इसके पास ऑप्शन होता है, या तो वो उसे डिवोर्स दे के अपनी सारी संपत्ति लुटा दे, या उसे मार के जेल जाके अपनी सारी संपत्ति फिर से लुटा दे, या फिर अपनी बीवी और उसके लवर को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठ ले। क्योंकि अब मिडिल क्लास आदमी को EMI भी भरना होता है, गरीब आदमी मतलब छोटी चीजों में खुश हो जाता है यार, ब्लैकमेल करने लगता है। फिर उसके बाद एक कलेश फिर दूसरा कलेश और उसके बाद भसड़ पे भसड़ होते रहता है, जो बहुत ज्यादा ही फनी है। मुझे 90,000 चाहिए। एंड तुम्हें लिटरली बहुत ज्यादा ही मजा आ जाएगा। लेजेंडरी इरफान खान की परफॉर्मेंस तुम्हें इस मूवी में पसंद आएगी, और साथ में तुम्हें एक टैलेंटेड सपोर्टिंग कास्ट भी देखने को मिलेगा, जैसे कि दिव्या दत्त, अनुजा साठे, ओमी वैद्या, प्रद्युम्न सिंह, गजराज राव। इन सब का परफॉर्मेंस इस मूवी में बहुत ज्यादा ही हिलेरियस है, बट अरुण दे सिंह की फिजिकल कॉमेडी इस फिल्म में सबसे ज्यादा बेस्ट है। 1,00,000 है तेरे पास? नहीं। सिर्फ 1,00,000 कैसे हो गया? जिस वे में उन्होंने फिजिकल कॉमेडी की है, जिस वे में एक्सप्रेशन दिए और जो डायलॉग डिलीवरी की है, इस मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट है। सीरियसली जिस वे में ये 200 फीट का मस्कुलर आदमी जब रिएक्ट करता है, तुम्हारी हंसी छूटनी छूटनी है। देख तेरे को ऐसा जोर की लात मार दूंगा ना। और लेट इरफान खान ने जिस वे में इस मूवी में परफॉर्मेंस दिया है, वो प्रूव करता है कि वो इस इंडस्ट्री के सबसे फाइनेस्ट एक्टर क्यों थे। तुम्हें सीरियसली उनका परफॉर्मेंस देख के बहुत ज्यादा ही मजा आएगा इस फिल्म में। एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिनय दियो ने, जिन्होंने दिल्ली बेली जैसी अंडररेटेड मूवी डायरेक्ट की है। तो वेल तुम समझ सकते हो कि मूवी कितनी फनी होने वाली है। तो तुम्हें मूवी जाके जरूर देखनी चाहिए ताकि तुम्हें भी पता चले कि अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें चीट कर रहा है तो वेल तुम्हें क्या करना है। फॉर लीगल रीजंस दैट वाज अ जोक। तो ब्लैकमेल अवेलेबल है प्राइम वीडियो पे, एंड वेल तुमने अपनी एक्स आईडी पासवर्ड ले लिया होगा तो वेल जाके तुम ये मूवी जरूर देखना। नंबर 2 99। तेरा साइज इतना बड़ा है, कभी तो बड़ा सोच। आई स्वेयर इस मूवी के बारे में मुझे कोई भी बात करता दिखता नहीं है, क्योंकि अंडररेटेड है ना। 99 जो रिलीज हुई थी 2009 में। Coincidence? Apparently, yes. तो कहानी दो लॉन्डो की जो डुप्लीकेट सिम कार्ड का धंधा करते हैं एंड वो इलीगल है, अंटिल एक दिन उनके बाम्बू लग जाते हैं और भागने के चक्कर में वो एक बुकी का गाड़ी ठोक देते हैं और उसके बाद उनकी जिंदगी के लग जाते हैं। जैसे मेरी लगी पड़ी है। Why am I so sad? तू छुप सकता है तेरा पिछवाड़ा नहीं, बाहर निकल। बट उसके बाद जो सिचुएशन कॉन्स्टेंटली क्रिएट होते रहता है वो बहुत एक्सट्रीमली फनी है एंड इट टोटली वर्क्स ऑन द स्क्रीन। 99 में तुम्हें एक अमेजिंग स्टार कास्ट देखने मिलेगी, जैसे कि बोमन ईरानी, बिग बॉस OTT में आए लेटर साइरस ब्रोचा। सीरियसली साइरस, व्हाई बिग बॉस में जाने की क्या जरूरत थी, खुद का बकरा बना लिया ना। सोहा अली खान, महेश मांजरेकर, लेट विनोद खन्ना, लेट अमित मिस्त्री और इन सब ने इस फिल्म में बहुत ही फनी परफॉर्मेंस दी है। पर इस मूवी की अगर कोई जाने तो वो है अंडररेटेड कुणाल खेमू, जिनकी जनता ऑलरेडी बहुत बड़ी फैन तो है ही, एंड विदाउट एनी डाउट वो इस देश के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर है। और जब भी वो कॉमिक रोल पकड़ते हैं वो आग लगा देते हैं, और जिस फिल्म में उन्होंने इस फिल्म में परफॉर्मेंस दिया है तुम्हें एक्चुअली में उन्हें देख के बहुत मजा आएगा। एक ग्लास पानी मिलेगा क्या? यार मैं हम लोग तेरे घर पे आए कि तू हम लोग के घर पे आए? और बेस्ट पार्ट तुम्हें पता है इस फिल्म की क्या है? इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राज और DK ने, और लिखा भी राज और DK ने पैसे बचाने के लिए। यस ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने तुम्हें गो गो गॉन, स्त्री, फैमिली मैन और रिसेंटली गन्स एंड गुलाब्स दी है। तो तुम समझ सकते हो कि मूवी कितनी फनी है। ये मूवी अर्ली 2000s के बेटिंग स्कैम को दिखाता है, उस जमाने की टेक्नोलॉजी को दिखाता है, उस जमाने में चीजें कैसी फंक्शन करती थी वो तक दिखाता है, और लिटरली ये मूवी टाइम से बहुत ही आगे थी। बट द सैड पार्ट इज कि ये मूवी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, और शायद उसी रीजन से इसके बारे में लोग ज्यादा बात करते नहीं है। और अगर तुम्हें ये मूवी देखनी है तो तुम्हें यूट्यूब को ₹50 दे के ये मूवी रेंट करनी पड़ेगी, या फिर तुम्हें वो करना पड़ेगा, इफ यू नो व्हाट आई मीन। YouTube पे वैसे अवेलेबल है, ऑटोग्राफ मिलेगा आपको। पर ये मूवी एक कल्ट क्लासिक का स्टेटस डिजर्व करती है, पर जब भी तुम्हें टाइम मिले तो तुम इस फिल्म को जरूर देखना। Happy. Happy.
ऑनरेबल मेंशंस मेरी जिंदगी, अबे उस पे अभी तक मूवी नहीं बनी, सॉरी, सैफ अली खान की कलाकांडी, रजत कपूर की फंस गए ओबामा और सीमा हैदर की स्टोरी, सीरियसली फनी तो है। नंबर वन, सुपर डिलक्स। गांड सुनना, जब मैंने इस फिल्म के बारे में सुना था तो मैंने बिना ट्रेलर देखे जाके सीधा ये फिल्म देखी नेटफ्लिक्स पे। हाँ, मेरे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है फ्लेक्स पासवर्ड नहीं दूंगा। 2019 की सुपर डिलक्स एक तमिल फिल्म है जिसके अंदर चार अलग कहानी चल रही है जो बहुत ज्यादा ही डार्क है। ये चार अलग कहानी अपने में ही यूनिक है और ये चार अलग कहानी सोसाइटी के चार अलग अलग इश्यूज के बारे में बात भी करती है, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्रांसजेंडर, बच्चों के अंदर प्यूबर्टी ठरक और रिलीजन। और जिस वे में इस टॉपिक को इस फिल्म में कवर किया है वो बहुत ज्यादा ही फनी है, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था। जिस वे में ये चारों कहानियां लास्ट में कनेक्ट होती है, तुम्हारा लेजेंड दिमाग हिल जाएगा और स्पेशली क्लाइमेक्स के टाइम कुछ ऐसा होएगा कि तुम खुद बोल दोगे भाई ये क्या था। सुपर डिलक्स में तुम्हें एक अमेजिंग स्टार कास्ट देखने मिलेगी, जैसे कि विजय सेतुपति, पुष्पा की मारने वाले फहद फासिल, समांथा, रम्या कृष्णा जो बाहुबली में वेल शिवगामी थी, एंड मेनी मोर। यहाँ ये मूवी ऑब्वियसली एक डार्क कॉमेडी है और बीच में ये ऐसे ऐसे हार्ड हिटिंग फैक्ट्स तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारेगा जिसके लिए तुम बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। पर वेल, जिस फनी वे में ये मूवी कंक्लूड होता है और जो डीप मैसेज देता है, ये मूवी लेजेंड तुम्हारा दिल जीत जाएगा। जहाँ सुपर डिलक्स 2019 में आई थी और वेल सिर्फ तमिल लैंग्वेज में अवेलेबल है, शायद उसी वजह से ज्यादा लोग इसके बारे में तुम्हें बात करते दिखेंगे नहीं, और नेटफ्लिक्स पे ये अवेलेबल है सबटाइटल्स के साथ। पर वेल, अगर तुम एनीमे देखते हो तो तुम्हें तो आदत होगी, तुम तो देख ही पाओगे। पर सुपर डिलक्स को लिटरली टॉप मूवीज में माना जाता है क्योंकि ये मूवी काफी ज्यादा ही एडवांस है, और मैं लिख के दे रहा हूँ तुमने ऐसा कुछ कभी भी नहीं देखा होगा। तुम्हारा हंस हंस के पेट दर्द हो जाएगा, तुम्हें गारंटीड एंटरटेनमेंट मिलेगा। मूवी में काफी चीजें डार्क है जो तुम ऑब्वियसली हजम नहीं कर पाओगे, पर ये मूवी सबको देखनी चाहिए। तो वेल, अगर तुम्हारी एक्स के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो उसका आईडी पासवर्ड वही प्राइम वीडियो वाला है, जाके लॉग इन करो और ये मूवी जरूर देखो। तो ये थे मेरे 5 अंडररेटेड इंडियन कॉमेडी मूवीज। क्या तुम मेरे इस लिस्ट से अग्री करते हो? वेल, मुझे कमेंट सेक्शन में चीज जरूर बताना। और क्या तुमने इनमें से कोई भी फिल्म देखी है? तो वेल, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम्हारा क्या ओपिनियन उसके ऊपर, और तुम्हारे हिसाब से इस लिस्ट में और कौन कौन से अंडररेटेड कॉमेडी मूवीज होनी चाहिए? वेल, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर तुमने हेरा फेरी बोला तो कसम से मैं सर तोड़ दूंगा। हेरा फेरी अंडररेटेड नहीं है। और वेल, अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, साथ में वो जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाना बिल्कुल भूलना। तुम हमारे सोशल हैंडल्स में भी हमें फॉलो कर सकते हो, ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय। वीडियो देखी ना अब।